हमारे आसपास अगर कोई मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, वो खुद अपने बिहेवियर को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो मोस्टली उसे बहलाने की कोशिश की जाती है ना, चल ना एक मस्त कॉमेडी फिल्म देखते हैं, चाय पी ले यार, ब्रेक ले ले, सो जा थोड़ी देर, दोस्तों से मिल ले। क्या किसी की दिमागी हालत को समझे बिना उनसे इस तरह से डील करना सही है? वैसे कई सेलेब्स ने भी खुलकर इस पर बात की है, जैसे करण जौहर, दीपिका पादुकोण, वरुण धवन, मनीषा कोइराला और टीवी एक्टर शमा सिकंदर, जिनसे आज हम बात करेंगे। Hi, this is Shama Sikander and you're listening to Big FM. मैं डिप्रेशन से गुजरी और उसके बाद मैंने अपनी खुद की वेब सीरीज बनाई जो डिप्रेशन से रिलेटेड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे है, अब दिल की सुन। एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट बिकॉज मेरे डिप्रेशन ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, ज्यादा कंपैशनेट और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग इंसान बनाया, और मैं चाहती थी कि मैं ये एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करूँ कि ताकि वो भी अपनी जिंदगी में जो रोशनी मुझे मिली उस रोशनी को ढूंढ पाएं। तो आई गेस जजमेंटल होना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। कोई अगर मेंटली डिस्टर्ब्ड है और आपसे कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज उसे सुनिए, लेकिन हम उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते। इसके लिए जिस मेडिकल हेल्प की जरूरत है उसके बारे में हम बात करेंगे स्मृति से।